मालूम है आप लोगों के मन में बहुत सारा तमन्ना है। लास्ट क्लास आप लोग एक वीडियो में मुझसे कहे थे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए अच्छा से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई हिंदी का वाक्य, जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस अगर मन में बोल रहे हो या कहीं देख रहे हो, लास्ट में सेंटेंस का एकदम लास्ट में देखिएगा, चुका, चुकी और आपका चुके, और उसके संग में है जरूर रहा जाएगा, क्योंकि अगर है नहीं रहेगा तो कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो समझ जाना जब सेंटेंस का लास्ट में देखेगा चुका, चुकी, चुके हैं, तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सर क्या इसको बनाने का कोई इजी प्रोसेस है, कुछ इजी स्टेप है? हाँ, इसको बनाने का इजी प्रोसेस है। देखिएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बनाने का सबसे इजी प्रोसेस आपके सामने में एक शानदार फार्मूला, मैं दोनों पार्ट को एक संग सिखा रहा हूं, मैं इस असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक संग सिखा रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके संग हैज लगाएंगे, फिर उसके संग अगर हैव, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट मेरा एक से ज्यादा है मींस प्लुरल, तो समझ जाना कि उसके संग हैव लगाएंगे। नॉट रहेगा या मन में कुछ नॉट सोचिएगा तो नॉट लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा, फिर थर्ड फॉर्म लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मेरे पापा खाना पका चुके हैं, माय फादर हैज कुक्ड फूड। अगर यही रहेगा मेरे पापा खाना नहीं पका चुके हैं, माई फादर हैज नॉट कुक्ड फूड। अगर यही रहेगा वे लोग खाना पका चुके हैं, तो वे लोग के लिए क्या होगा, दे, एक से ज्यादा है बाबू तो इसके संग क्या लगेगा, दे हैव कुक्ड फूड, फुल स्टॉप। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए, मैं उसको बहुत क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपका हर डाउट को क्लियर करूंगा। हर डल स्टूडेंट को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।